हेलो एवरीवन वेलकम टू लक्चर फोर्स आप अपनी स्क्रीन पे जो स्क्रीनशॉट देख रहे हो ये एयर फोर्स की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे जो फिजिक्स का मॉक टेस्ट दिया है वहाँ से लिया गया है इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें पोल्स पे एंगल ऑफ डिप यानी कि नमन कोण का मान पूछा गया है तो हमारी कोशिश क्या है कि अब इससे और को रिलेटेड चीज़ें अगर एग्जामिनर पूछेगा तो वो क्या पूछ सकता है तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि, कि किसी स्थान पर अर्थ के मैग्नेटिक जो फील्ड हैं उनके वर्टिकल और हॉरिजोनटल कॉम्पोनेंट इक्वल हैं तो वहाँ पे नमन कोण का मान क्या होगा अगर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही कंपोनेंट जो हैं वो इक्वल कर दिए गए तो देखो मैं आपको कुछ बातें आज बताना बताऊंगा जैसे एंगल ऑफ जो डिप होता है नमन कोण होता है वो होता है टेन थीटा बराबर वी वटे एच वी का मतलब होता है वर्टिकल कॉम्पोनेंट एच का मतलब हॉरिजोनटल वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर और एच का मतलब हॉरिजोनटल का मतलब क्षैतिज ठीक है तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल हैं तो कट जाएंगे और कट जाएंगे तो मान कितना आ जाएगा एक और एक मान थीटा में कितना का होता है कि पैंतालीस का तो इसका आंसर कितना आ गया पैंतालीस लेकिन हमें यहाँ से अभी क्लियर हुई है चीज़ें फोर्टी परसेंट लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो आपका हंड्रेड परसेंट चीज़ें क्लियर करना है तो केवल यही क्वेश्चन हमें नहीं समझना था अब ये यह यहाँ पर इक्वल थे तो वन आ गया लेकिन क्वेश्चन बहुत तरीके के बन सकते हैं जैसे कि उस क्वेश्चन में फोर्थ में क्या पूछ रहा था कि पोल्स पर जो था वो नाइन्टी था अब इक्वेटर पर पूछा जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा तो क्या हम रटेंगे अगर हम चीज़ों को रट के

और इक्वेटर की बात करें तो एंगल होता है जीरो ठीक है शून्य इक्वेटर भूमध्य रेखा पर इसको चुंबकीय निरक्ष भी कह सकते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर ठीक है तो अब मैं आपको बताऊं अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पोल्स पे ध्रुवों पे कौन सा घटक जीरो होता है छतीस घटक की ऊर्ध्वाधर घटक अब हमें पता है पोल्स पे एंगल है नब्बे अब साइन नब्बे मान तो जीरो नहीं होता है हाँ कौश नब्बे का मान जीरो होता है यानी कि पोल्स पर कौश नब्बे यानी कि पोल्स पे हमारा छैतीस घटक शून्य होता है पोल्स पे एक फैक्ट आपको पता चला कि पोल्स पे छैतीस घटक जीरो होता है सिमिलरली इक्वेटर पे इक्वेटर पे हमारा अब एंगल का मान जीरो है तो कॉस्ट जीरो तो एक दे देगा तो ये जीरो नहीं होगा यानी कि छत्तीस घटक जीरो नहीं होगा हाँ ऊर्ध्वाधर घटक हमारा इक्वेटर पे जीरो हो जाता है ये दो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे आई होप अब मैं आपको बताऊं और एक बात इसके आगे कि हमने देखा था टेन थीटा बराबर था वर्टिकल बटे हॉरिजोनटल ये क्यों था क्योंकि वर्टिकल हमने बताया कंपोनेंट कौन सा होता है साइन थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा बटे बी ई कोश ठीटा लिखेंगे तो वही हमारा टेन थीटा तो आ जाएगा साइन बटे कॉस्ट टेन होता है अब इन्होंने कहा था कि अगर जैसे बात करें पोल्स पे पूछ ले कि एंगल ऑफ क्या होगा नतीकोण जो उस कि देखा तो जाएगा और किसी संख्या के नीचे अगर जीरो आएगा तो उस पूरी वैल्यू का इस पूरी वैल्यू का मान पोल्स पे अनंत आएगा और टेन नाइनटी का वैल्यू होता है अनंत इसलिए एंगल ऑफ डिप जो था पोल्स पर वो कितना था नाइन्टी डिग्री था ठीक है अब अगर पोल्स पर बात करें चुंबकीय निरक्ष का मान पूछ ले चुंबकीय ए सॉरी चुंबकीय निरक्ष पे अगर एंगल ऑफ डिप पूछ ले यानी कि इक्वेटर पे तो इक्वेटर पे हम टेन टीटा लगाएंगे सिमिलरली क्या करेंगे टेन टीटा होता है साइन टीटा बटे कोस टीटा यानी कि वर्टिकल बटे हॉरिजॉन्टल अब इक्वेटर पे बात करें इक्वेटर पे हमारा ये जीरो होता है ऊपर वाला क्योंकि साइन ठीक है साइंस जीरो कमान जीरो होता है तो इक्वेटर पे वर्टिकल जीरो होता है तो अगर ऊपर किसी संख्या का मान जीरो है नीचे कुछ भी बना रहा है वो मान जीरो आएगा यानी कि ये ओवरऑल जीरो वैल्यू जीरो आएगी तो इक्वेटर पर अगर हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप की तो वो जीरो हो जाएगा ठीक है ये पॉइंट्स जो निकल रहे हैं वो आप नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लेना अगर आप सिलेक्शन चाहते हो अब क्या है आपसे कह देगा कि वर्टिकल किसी का जो उर्द्वादर घटक है उसका मान रूट तीन गुना है छतिज के कहेगा कि एंगल ऑफ डेप यानी कि नमन कोण का मान बताओ अब हमने तुरंत फार्मूला लगा देना है टें थीटा बराबर वर्टिकल बटे हॉर्जोनटल ये रूट तीन गुना था तो रूट तीन एक्स कर लेते हैं इसको एक्स कर लेते हैं कटेगा तो रूट तीन आएगा रूट तीन होता है टेन साठ का मान तो आंसर टेन साठ आ गया इसी सवाल में घुमा के पूछ देगा कह देगा कि हॉर्जोंटल जो है वो वर्टिकल का रूट तीन गुना है तो अगर नीचे वाला रूट तीन गुना है तो एक्स बटे रूट तीन एक्स आ जाएगा आंसर अब की बार तीस आ जाएगा तो यानी कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ और मेरी के कोशिश भी ये है कि मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करो आप लोगों को भी मैं कहता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन दिया गया है तो और इससे रिलेटेड दस और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह से अगर आप स्टडी करोगे तो बहुत कम टाइम में आप बहुत अच्छी एफिशियंसी के साथ एयरफोर्स एग्जाम की फिजिक्स को क्रैक कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है For total internal reflection the critical angle is 30 degree find the speed of light in that medium यानी कि आप हिंदी वाले हिंदी में भी पढ़ सकते हैं हमें माध्यम में प्रकाश का वेग फाइंड करना है तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन होता है वो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल सी बटे माध्यम में प्रकाश की चाल वी हमें माध्यम में प्रकाश की चाल वी निकालनी है सी पता होती है कितना होता है तीन गोड़ा दस की घात आठ मीटर पर सेकेंड लेकिन हम एन कहाँ से लाएँ तो एन लाने के लिए आपको हिंट्स दी गई है कि क्रिटिकल एंगल थर्टी डिग्री होता है अगर क्रिटिकल डिग्री थर्टी डिग्री है तो एन बराबर होता है वन अपॉन साइंस सी ये होता है फॉर्मूला मैं कहता हूँ फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले हैं आप उनको याद जरूर कर लो अपवर्तनांक डायरेक्ट अगर क्रिटिकल कोण देके अपवर्तनांक पूछा जाए तो एक बटे साइंसी यानी कि एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वन अपॉन साइंतीस आ जाएगा साइंतीस का मान होता है एक बटे दो यानी कि एक बटे एक बटे दो करेंगे दो ऊपर जाएगा यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दो आ गया यानी कि इनडायरेक्टली दिया गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो है अब हम फॉर्मूला लगा देंगे तो माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा देखो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल तो यहाँ से अगर हम माध्यम में प्रकाश की चाल निकालेंगे तो माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो निर्वात में प्रकाश की चाल है तीन गुड़ा दस की घात आठ मीटर पर सेकेंड बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला दो तो यहाँ से दो कट करेंगे तो वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दी पावर एट आ जाएगा यानी कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया ठीक है पहली बात तो ये अब मैं आपको और दो बातें बताऊं। इसमें अगर थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन बना तो सेम सवाल होगा सेम डेटा होगा आपको बस जो कांच होगा या कोई जो मीडियम होगा उसकी मोटाई दे देगा सपोज इसी सवाल में एक मीडियम जो है वो कांच है और उसकी मोटाई है दो मीटर तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कांच की जो पट्टिका होगी उसको पार करने में कितना समय लगेगा अब यार बड़ा डिफिकल्ट हो गया टाइम पूछ दिया ऑप्शन होंगे इतने माइक्रो माइक्रोसेकेंड दो माइक्रो माइक्रोसेकेंड एक माइक्रो सेकेंड तो देखो अगर हमें टाइम पूछ दिया जाए और पट्टिका की मोटाई भी दे दी जाए तो इतना तो हमें करना ही पड़ेगा हमने चाल निकाल ली उस माध्यम में अब समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल तो दूरी हमें दो गिवन थी चाल से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ठीक है इसी में अगर दो होता तो एक माइक्रो सेकेंड आ जाता अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूर्ण आंतरिक परावर्तन पहले तो इसके एग्जाम्पल आपको पता हो कई सारे होते हैं कहेगा हीरे का चमकना किसका एग्जाम्पल है तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है कहेगा रेगिस्तान में या ठंडे प्रदेशों में जो मारीचिका होती है वो किसका एग्जाम्पल है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है ये तो पता होगा ऑप्टिकल फाइबर भी इसी का है लेकिन क्वेश्चन अभी कैसे पूछने लग गया है ऑप्शन देंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन मार्क ऑप्शन पहला होगा जब निर्वात से निर्वात से कांच में जा रहा हो प्रकाश दूसरा ऑप्शन होगा कांच से हीरे में जा रहा हो तीसरा ऑप्शन है हीरे से जल में जा रहा हो चौथा ऑप्शन ऐसे सिमिलर हो सकते हैं तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ पॉइंट वो ये है कि जब प्रकाश जो है डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगा सघन से विरल में जाएगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है डेंसर से रेयर का मतलब जैसे एक अगर बात करें कांच है और एक वायु है तो जब प्रकाश कांच से वायु में जाएगा कांच डेंस है कंपेरेटिवली रेयर से ये सघन है ना वायु रेयर है इसके कंपेरिजन में तो कांच से जब वायु में जाएगा तभी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है अगर ऑप्शन में वायु से कांच वाला है तो वो हमें हटा देना है ऐसे ही अगर हीरे में और कांच में बात करें तो अगर हीरे से कांच में जाएगा हीरे से कांच में प्रकाश जाएगा तभी टोटल हो सकता है इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कांच से हीरे में जा रहा है तो आपको पता है हीरा सघन है कंपेरेटिवली कांच के तो विरल से सघन में जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा उसको हमें सघन से विरल में ले जाना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन वाला एक कांच से बना प्रिज्म था तो उससे मिनिमम डेविएशन एंगल जो था वो प्रिज्म एंगल के इक्वल था तो फ्रिज में कौन है यार ये तो वही बात हो गई रसोड़े में कौन था ये टाइपिंग गलत हो गई फ्रिज में मैं कौन है नहीं है ये है फ्रिज में प्रिज में जो कौन है उस उसका मान हमें फाइंड करना है प्रिजम एंगल का दिया हुआ है कॉस 41 डिग्री का मान जो है 0.75 है ये क्वेश्चन स्पेशली तुक्का स्पेशलिस्टों के लिए है क्योंकि कुछ तुक्का लगाने में जो माहिर लोग होते हैं वो सोचते हैं कि कॉस 41 है यार इसका वैल्यू दिया है तो फोर्टी ही आना चाहिए था आंसर ठीक है लेकिन ये ऐसा नहीं है और आप हमेशा देखोगे एयरफोर्स का जो पेपर दे चुके हैं एक दो बार जो ठीक है उनको पता होगा कि ऐसे सवाल आते हैं जिसमें कोष्टक में एक ऐसी वैल्यू दी जाएगी ऐसे मैथ में भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के आपको देखने को मिलेंगे कोर्स साइन तेतालीस टेन तेतालीस ऐसे मान दिए जाते हैं तो एक दो सवाल ऐसे ज़रूर आते हैं तो देखो इसको हम समझते हैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है अगर बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो वो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है साइन ए मतलब ए होता है प्रिज्म कोण प्लस डेविएशन एंगल डेल्टा एम बटे दो यानी कि आपतन कोण बटे अपवर्तन मतलब साइन ए बटे दो प्रिज्म कोण का आधा होता है वो अपवर्तन कोण ये होता है फॉर्मूला ठीक है अब अगर इसमें जो कहा गया है उसमें जो लैंग्वेज है उसकी जो अल्पतम विचलन है जो लैंग्वेज लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो प्रिज्म एंगल के इक्वल है यानी कि ये भी ए है तो ए में ए जुड़ेगा तो टू ए हो जाएगा टू ए बटे दो को हम दो से दो कट जाएगा ए बचेगा ऊपर साइन ए बचा साइन ए का हाफ वाला फार्मूला लगाया तो टू साइन ए बटे दो इंटू कॉस ए बटे दो फिर वो नीचे से हमारा साइन ए बटे दो कट जाएगा तो हमारा टू कॉस ए बटे दो बचेगा फाइनली इतनी बार पहले भी इतनी बात हमने बताई थी अगर इक्वल है तो कितना आता है टू कॉस ए बटे दो जो पिछले के वीडियो देखे होंगे वो डायरेक्ट ये बात एग्जाम में लिख सकते हैं जितना अभी मैंने किया था वो नहीं करना पड़ेगा उनको अगर जो डेविएशन एंगल है वो मिनिम उसके प्रिज्म एंगल के इक्वल होता है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ठीक है अब देखो टू कॉस ए बटे दो अब एक बात बताओ यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव इज इक्वल और टू इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा टू का इज इक्वल टू कॉस ए बटे दो कितना अच्छा लैंग्वेज का क्वेश्चन था अब देखो, देखो डेढ़ का आधा तो पचहत्तर होता है लेकिन डेढ़ ना होकर यह वन पॉइंट है तो ये सेवन पॉइंट हो जाएगा तो पॉइंट बराबर आ गया कॉस ए बाई अब 0.75 का मान दिया गया था कॉस 41 यानी कि यहाँ पे हम कॉस 41 लिखेंगे तो कॉस से कॉस भी खत्म हो जाएगा यानी कि 41 बराबर अगर आ गया a बाई टू तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a का मान कितना आएगा 41 गुड़ा दो यानी कि बयासी डिग्री तो मैं बताना क्या चाह रहा था कि इन क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम बच्चा क्या है कि अगर प्रैक्टिस नहीं है तो वो तुक्का लगाने की कोशिश करेगा तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज थर्टी डिग्री एंड एंगल इज़ 60 डिग्री फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो देखो दो क्वेश्चन हो गए प्रिज्म के अब मैं आपको ये क्वेश्चन वैसे इजी है लेकिन पॉज करके खुद से ट्राई करना अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप अपनी खुद से कर पा रहे हो ये आप समझ सकते हो मान के चल सकते हो कि आपकी तैयारी अच्छी है ठीक है आप थोड़ी मेहनत करोगे तो आराम से पास कर सकते हो एग्ज़ाम ठीक है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे दो बटे साइन ए बटे दो मैं इसमें आपको दो बातें बताऊंगा ए बटे दो ये फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ठीक है अब अगर बात करें तो ए होता है जहाँ पे प्रिज्म कोण और डेव डेल्टा दे, दे, एम होता है डेविएशन कोण तो सीधा सीधा यार अगर फार्मूला याद होगा और इन केस अगर क्वेश्चन आ गया जिसमें प्रिज्म कोण भी दिया हो आपको वो भी दिया हो डेविएशन दे, एंगल भी दिया हो तो कितना जल्दी आप कर सकते हो प्रिज्म कोण और डेविएशन एंगल दोनों जोड़ो ऊपर और बटे दो करो यानी कि साठ और तीस जोड़ के बटे दो करेंगे तो ऊपर तो साइन पैंतालीस होगा यानी कि ऊपर तो एक बटे रूट दो होगा बटे नीचे सीधा सीधा प्रिज्म कोण का आधा होता है तो प्रिज्म कोण है साठ उसका आधा 30 हो जाएगा 30 का मान होता है एक बटे दो तो जब हम दो ऊपर जाएगा तो दो बटे रूट दो हो जाएगा अब दो को हम रूट दो गुणा रूट दो लिख सकते हैं क्योंकि रूट दो में रूट दो का गुणा करेंगे तो दो आ जाएगा तो एक रूट दो से एक रूट दो कट जाएगा यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना आ जाएगा रूट दो आ जाएगा एन का वैल्यू कितना आ जाएगा रूट दो तो इसमें एक ऑप्शन आपका रूट दो ऑप्शन मैंने सही से टाइप नहीं कर पाई यार बहुत जल्दी जल्दी मैं सही बताऊँ तो ये वीडियो अपलोड किया है क्योंकि आज मैं लेट सो के जगह ठीक है थोड़ी रात को तबीयत सही नहीं थी इसलिए रात को लेट सोया तो फिर लेट जगह और सुबह ही मैं जो है क्वेश्चन ले कर और जो क्या कहता हूँ पी डी एफ बनाता हूँ तो सब जल्दी जल्दी में किया है मैंने सोचा गैप ना हो बस बच्चों का क्योंकि आपके कम कमेंट जो है बहुत मतलब हमें एनर्जी देते हैं तो लगता है यार एक दिन अगर वीडियो नहीं डालूंगा भले ही मैं कुछ क्वेश्चन आज अगर टाइम कम है तो ऐसे ही पांच की जगह चार या तीन ही क्वेश्चन करा दू लेकिन कुछ तो बच्चों को सिखा दूँ तो इसी परपज से तबीयत सही नहीं थी फिर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया बाकी प्लीज़ यार इस तरह के कमेंट मत करना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है मेरा उद्देश्य सिर्फ रोज आपको कुछ नया सिखाना है तो अगर आपने इस वीडियो से आज थोड़ा भी कुछ नया सीखा है तो प्लीज हमें अप्रिशिएट कर देना वीडियो को लाइक कर देना आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेशन देते हैं